Okay students, in the last video we have discussed exercise 5.3 question number 4. Now we are going to discuss about the question number 5. In the question number 5, find the sum of 51 terms in which second and third term. तो आपको क्या दिया है? सेकेंड टर्म दी है, सेकेंड टर्म ये दिया हुआ है आपको 14 एंड थर्ड टर्म दी हुई है आपको 18, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये माना इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? लेट फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है, एंड डिफरेंस इज डी, कॉमन डिफरेंस इज बी, ओके। नाउ लेट्स सी, सो एपी क्या बनेगी, मीन्स ए टू क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन मीन्स टू माइनस वन इंटू बी, तो आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी। ए थ्री क्या बन जाएगा, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, और ये हो गया क्या, ए प्लस टू डी। तो इसकी वैल्यू थी 14 और इसकी थी 18, यही वैल्यू थी वही थी। सॉल्व करो इसे, अगर मैं इसे इक्वेशन वन कह दूं और इसे टू, तो क्या फाइंड होगा यहां से, ए टू माइनस ए वन, मतलब यहां से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, ओके। तो इक्वेशन टू क्या हो गई, ए प्लस टू डी इक्वल टू 18, माइनस करोगे यहां पर ए प्लस डी 14 को, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी और ये रिमेनिंग रहेगा 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ओके डी 4 है। अब मुझे क्या चाहिए यहां से, ए टू, तो ए फाइंड कर सकता हूं यहां से, पुट इन इक्वेशन वन, बी इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन वन, वन में पुट किया तो वन क्या था, ए प्लस डी इक्वल टू 14, तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहां से डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 14, तो यहां से ये कितना हो गया, ए इक्वल टू 14 माइनस 4, और आंसर आ गया 10, ए की वैल्यू क्या गई, 10 आ गई। अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, डी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो सीरीज क्या बन जाएगी, सो ए टी फर्स्ट टर्म ए क्या है 10, और डिफरेंस क्या था 4 का था, तो सभी में 4 ऐड करते जाओ, कितने टर्म की बात कर रहा था, 51 टर्म की बात कर रहा था, कितने टर्म की बात कर रहा था, 51 टर्म, ठीक है, एन इक्वल टू दिया है हमें 51। अब हमें क्या फाइंड करना था, एस एन, एस एन क्या होता है, ए प्लस एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू ए डी, यही होता है। यहां से एस की वैल्यू क्या है, 51, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगा, यहां से 51 बाई टू टू ए, टू इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है यहां से 10 प्लस एन माइनस वन 51 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 4, तो यहां से 51 अपॉन टू, और ये 2 इंटू 10 करोगे 20, और ये 15 इंटू 4 करोगे 200, तो यहां से क्या आ गया 51 अपॉन टू 220, सॉल्व करेंगे इसे 110 और मल्टीप्लाई करोगे तो 011 एंड ये हो गया 55, तो सम क्या आ गया, एस 51 आ गया,
5610, तो ये ऑल नंबर्स का ऑल सीरीज का क्या हो गया सम। ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज, तो फर्स्ट टर्म मीन्स क्या हो गया ए, मीन्स ए क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, लास्ट टर्म इसे मैं क्या कहता हूं ए एन, तो ये क्या दिया हुआ है 350, then common difference is 9, common difference नाइन, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है यहां पर, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, एपी में कितने टर्म होंगे ये हमें बताना है। तो देखो हम क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू क्या है यहां पर 17, एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है यहां से 9, माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू एन है और डी की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो ये 17 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 350 माइनस 17, तो ये कितना बन गया 333, एन माइनस 1 इंटू 9, तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा यहां से 333 डिवाइड बाय 9, तो ये हो जाएगा 37 पॉइंट। ठीक है, एन माइनस 1 इक्वल टू 33, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 33 प्लस 1, ये 37, तो ये 38 आ जाएगा, ठीक है 37 प्लस 1 38। तो कितने नंबर्स थे, नंबर्स ऑफ टर्म कितनी थी 38, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या पूछा था इसमें, व्हाट इज दियर सम, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है आपसे, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन, मतलब लास्ट टर्म, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 38, तो एस 38, एन की वैल्यू क्या है 38 बाय 2, ए क्या है यहाँ पर 17 और ए एन क्या है यहाँ पर 350, ये हो गया 19 मल्टीप्लाई, और इसे कहते 367 मल्टीप्लाई कर लो इनका क्या आ जाएगा 7। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, ठीक है। उसमें डिविजिबिलिटी हमने किसके लिए देखी थी, 7 के लिए, और इसमें डिविजिबल बाय कितना देखना है 3 देखना है, ठीक है। और नंबर्स कहां से कहां तक है, 1 से 1000 तक,
तो यहां से लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 तो ये क्या होगा 3 होगा सबसे स्मॉलेस्ट 3 से डिविजिबल नंबर उसके बाद थोड़ा ग्रेटर अब ग्रेटर में क्या देखेंगे हम एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजिबल हो 3 से 1000 की बात कर रहा है ना ये तो 2 डिजिट नंबर ही देखना पड़ेगा बिटवीन 1000 से 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 ये क्या होगा 999 ठीक है तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया 3 और लार्जेस्ट क्या हो गया 1000 ये नंबर है जो 3 से डिविजिबल है ठीक है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 3 और है क्यों वो बता रहा है बिकॉज ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऐसा क्यों है क्योंकि हर एक नंबर डिविजिबल है किसके 3 से डिविजिबल बाय 3 ठीक है तो वो नंबर 3 है कॉमन डिफरेंस तो देखो यहां से ए क्या दिया हुआ है 3 डी दिया हुआ है हमें 3 और ए एन दिया हुआ है क्या हमें 999 तो यहां से ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी तो यहां से ये कितना आ गया ए की वैल्यू क्या हो गई 999 ए की वैल्यू हो गई 3 एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हो गई 3 तो यहां से ये 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 999 माइनस 3 आ गया 996 विच इज इक्वल टू एन माइनस 3 एन 3 से डिवाइड करोगे तो एन माइनस 1 इक्वल टू 996 डिवाइड बाय 3 और ये आ गया 332 यहां से एन इक्वल टू 332 प्लस 1 ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये 332 तो कितने डिजिट्स हैं कितने नंबर हैं जो इससे डिवाइड हो रहे हैं 333 नंबर से ठीक है अब सम फाइंड करना है इसका तो सम क्या होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन यही तो होता है तो इसके लिए मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं से क्या हो जाएगा एस 333 तो ये हो जाएगा 333 बाई 2 ए की वैल्यू 3 है और ए एन की वैल्यू क्या है यहां पर 999 333 बाई 2 मल्टीप्लाई विद 102 1002 ठीक है 1002 अब एक देखो इसका मल्टीप्लाई करना है इससे तो ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3006 फिर उसके बाद आएगा क्या 3006 और 3006 यहां से 666 तो ये आ गया 3 आ गया 3 आ गया 3 आ गया तो यहां पर ये क्या आ गया 3 3 3 6 6 6 डिवाइड कर दो यहां तो ये डिवाइड होगा तो ये हो गया 15
वन सिक्स हो गया, उसके बाद एट फिर ये थ्री, ठीक है। तो वन सिक्स एट थ्री थ्री, दिस इज द सम ऑफ दिस थ्रीज। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, मीन्स आपको एक एपी दिया है जिसमें ए क्या दिया है, आपको एट दिया है, क्या दिया हुआ है एट। उसके बाद क्या कह रहा है ये, एंथ टर्म इज 33, एंथ टर्म क्या है उसके 33 है, एंथ टर्म दिया हमें, मीन्स ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है हमें 33। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज 123, तो एस एन बी दिया हुआ है हमें क्या 133। आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड एन और कॉमन डिफरेंस, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहां से मैं डायरेक्टली एन फाइंड कर सकता हूं, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है, तो यहां से 133 एन बाई टू और ये आ गया क्या ए प्लस ए एन, एट प्लस 33, तो यहां से ये क्या बन जाएगा एन बाई टू और ये हो गया 41। तो इस टू का भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 133, ठीक है। तो ये हो गया 266 डिवाइड बाय 41 और ये हो गया एन, एन की वैल्यू क्या आ गई यहां से 41 से ये डिवाइड हो जाएगा 65, तो एन क्या आ गया 6, एन 6 आ गया। तो डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी, तो यहां से एन की वैल्यू क्या है 33 और ए की वैल्यू 8 प्लस एन क्या है यहां पर 6 माइनस 1 और डी, डी क्या है यहां पर ये फाइन करना, ठीक है। तो यहां से ये इधर लेके आओ 33 माइनस 8 तो आंसर आया 25 इक्वल टू 5D। तो D की वैल्यू क्या आ गई यहां से, D इक्वल टू 25 अपॉन 5 और आंसर आ गया 5। आगे कुछ पूछा है इसने, नॉट ओनली, ओके दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज सम ऑफ 280 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव फोर प्राइजेस, फोर प्राइजेस में 280 को डिवाइड करना है, मीन्स एन कितना आ गया 4, एस एन कितना दिया हुआ है 280, टोटल प्राइस यही तो है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा उसने, इफ द ईच प्राइस इज 20 लेस देन, तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको, कॉमन डिफरेंस अच्छा इसे कंप्लीट टर्म में लिखना चाहते हो कंप्लीट टर्म में लिखा देता हूं, डिटेल में लिख लो इसमें, ठीक है ज्यादा देखो आपको क्या दिया था सम, सम ऑफ 280 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल अमाउंट दिया हुआ था, ऐसे करके थोड़ा बेसिक से करेंगे, चलो टोटल अमाउंट क्या दिया था यहां पर 280, ठीक है, और कितने प्राइजेस में डिवाइड करना है 4 प्राइजेस, ये दिए प्राइस दिए हुए थे आपको। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन,
each price. लेस देन फर्स्ट वन, मतलब जो फर्स्ट वन है मतलब उससे जस्ट पहले वाला है तो उससे क्या है 20 लेस देन, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फाइंड हो गया कि हमें क्या क्या गिवन है, इट प्रिसीडिंग द प्राइस। ओके आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ईच प्राइस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना था, एस एन सम, एस एन सम क्या हो गया 280, यहां से 4 प्राइस है तो एन हमें गिवन है 4 और हमें डिफरेंस गिवन है डी, डी क्या गिवन है हमें माइनस का 20, ठीक है। अब अगर फर्स्ट प्राइस ए रहा होगा, फर्स्ट प्राइस ए रहा होगा तो प्राइस किस तरह से रहे होंगे, लेट फर्स्ट प्राइस ए है तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस ए माइनस 20, क्योंकि उसमें इसमें से डिफरेंस का है सब्ट्रैक्ट करने को कहा, ठीक है, तो ये उससे 20 लेस देन रहा होगा। थर्ड प्राइस क्या रहा होगा, ये रहा होगा, इसमें से भी 20 लेस देन करोगे तो ए माइनस 40, ठीक है। और फोर्थ प्राइस क्या रहा होगा, ए माइनस 60। अब मुझे ए मिल गया, ए माइनस ए 4 मिल गया, फोर्थ प्राइस, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवेन है तो हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो एस एन क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, यही तो होता है। यहां से देखो एस एन मीन्स एस 4 4 बाई 2 और ए की वैल्यू क्या है, यहां पर ए ए ए की वैल्यू क्या है, ए है, और ए एन क्या है यहां पर, ए माइनस 60। ये समझ में आया आपको, ये तो 2 हो गया और ये कितना हो गया 2a माइनस 60 और यहां से ये कितना है s4, s4 की वैल्यू क्या है, s n के लिए s4, ठीक है, ये कितना है 280। तो यहां से 280 में 2 का डिवाइड करोगे तो 140 और ये हो गया 2a माइनस 60। देखो मैं इसे साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ओके, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 140 प्लस 60, तो ये हो गया 100 2a, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 200/2, तो ये हो गया, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट है तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस हंड्रेड माइनस 20 होगा, यहां से 20 फाइन करके 80। थर्ड प्राइस फाइंड करो, थर्ड प्राइस क्या आ जाएगा यहां से 80 माइनस 20 तो आंसर आ गया 60। इसी तरह आप क्या फाइंड करोगे, फोर्थ प्राइस भी फाइंड करोगे, फोर्थ प्राइस, अब वो कितना आ जाएगा 40। तो ये ऑल प्राइस की वैल्यू हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल प्राइस हो गई, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टेन इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर दिया हुआ है आपको, इन थर्ड ईयर प्रोडक्शन क्या हुआ, सिक्स हंड्रेड टी सेट। अब उसने कहा इन द सेवंथ ईयर प्रोडक्शन इज 700, इन सेवंथ ईयर प्रोडक्शन इज
700 टीवी ओके। तो फर्स्ट ईयर में टीवीज और थर्ड ईयर में टीवीज और सेवंथ ईयर में टीवीज दिए हुए ठीक है। अब आपसे क्या कहा कि इनमें आपको क्या फाइंड करना है कि एन कितना है, डी कितना है, कितने पर ईयर वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर में कितने प्रोड्यूस किए ये सब फाइंड करना है। अब देखो यहां से ए थ्री दिया हुआ है आपको 600, ए सेवन दिया हुआ है आपको 700। तो यहां से थ्री ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए थ्री क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री माइनस इंटू डी। तो यहां से थ्री की वैल्यू है, थ्री क्या है 600। ए की वैल्यू क्या है यहां पर, ए ही है और ये हो गया टू डी, ये हो गई फर्स्ट। इसी तरह से ए सेवन इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया ए प्लस सिक्स डी और यहां पर आ गया सेवन प्लस। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या जाएगा, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। तो यहां से देखो ए सेवन हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, ये माइनस ए माइनस सी माइनस। तो यहां से तो ये बचेगा 100 और यहां से बचेगा 40। तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 100 अपॉन 4 और ये आ गया 25। डी आ गया तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को कर दे पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो 600 इक्वल टू क्या था, ए प्लस टू डी था। तो यहां से ए प्लस टू इंटू 25 और ये आ गया 600। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 600 माइनस 50 क्या हो गई 50। तो ये कितना आ जाएगा 500। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 500। इतना समझ में आ गया आपको। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई इसकी 550 और ए थ्री और ए सेवन दी होंगे। उसके बाद क्या कहा उसने, फर्स्ट हो गया प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर। सेकंड देखो ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट था प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, क्या आ गई यहां से 550। अब मैं इसे इधर से रेज कर रहा हूं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा यहां से, सेकंड प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर क्या चाहिए, ए टेन चाहिए। ए टेन क्या होता है यहां से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से ए टेन माइनस वन, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं सर, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से ये हो गया ए टेन। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ऊपर से जाओ वैल्यू, ए की वैल्यू क्या दी हुई है यहां पर 550 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या हो गया टेन माइनस वन और ये 25। तो ये हो गया 550 प्लस 9 इंटू 25 और ये हो गया 550 प्लस 225। तो इसे कहते हैं हम 775 ठीक है। तो ए टेन की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह इसका थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट सेवन ईयर मीन्स टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट सेवन ईयर। यही पूछा है तो फर्स्ट सेवन ईयर में क्या हो जाएगा, हमें चाहिए एस सेवन। तो एस एन क्या होता है, एम आई टू ए प्लस
एन कह दें, ये ज्यादा ही है क्योंकि मुझे सेवंथ का एन पता है, सेवंथ लिया हुआ है ना, सेवंथ इसलिए। तो यहाँ पर सेवन बाई टू ए प्लस ए की वैल्यू 550 और सेवन की वैल्यू होगी 700। तो यहां से 7/2 इंटू में आया कितना, ये 1250। 1250 को सॉल्व करोगे तो 625 और मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ये हो गया 4375। ठीक है, तो ये हो गया क्या 7 इयर्स में टोटल प्रोडक्शन की, कितना प्रोडक्शन वो करेगा। ओके, नाउ वी हैव डन एक्सरसाइज 5। इन द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।